गुड मॉर्निंग आशीष के साथ हैं आप चरणों में समर्पित होते हुए, और ये कौन है? लिटरेसी इंडिया, जो कि कंप्लीट करें अपने 25 साल कमिटेड टू दिस कॉज विद अ रीच टू ओवर 7 लाख अक्रॉस द नेशन सिंस 1996. मतलब पढ़ाने लिखाने के मामले में बोलूं, बच्चों को अच्छी डाइट देने के मामले में बोलूं, हर तरीके से इतना बेमिसाल काम कर रहे हैं. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर देवांग भंडारी, पार्टनर, डील एडवाइजरी एंड स्ट्रेटजी, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट सिटीजनशिप लीड, KPMG ग्लोबल सर्विसेज. और इनसे जो आज मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट ऑल प्रोग्राम्स लिटरेसी इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग इन पार्टनरशिप विद KGS, और इसके साथ ही साथ एज ए डोनर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जहां पर आपको मालूम है कि इतने सालों से इतना बेमिसाल काम कर रहे हैं? लिटरेसी इंडिया ऑफ कोर्स, कैप्टन इंद्रानी इज अ फैबुलस अमेजिंग लीडर. उनकी जो कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन से काफी स्कूल बड़ा है, एक्सपैंड हुआ है. कम्युनिटी वाले सब बहुत ट्रस्ट करते हैं उनके साथ. पूरा इंटरेक्ट करना इज अ एब्सोल्यूट ऑनर. एक बार थोड़ा KPMG के बारे में बता दूं, हम एजुकेशन पे काफी फोकस करते हैं. तो SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन के अंदर आता है. 12 साल प्लस का हमारा इंडिया का जो कोर प्रोजेक्ट है, एजुकेशन प्रोजेक्ट विद्यापीठ, हमारा उनके साथ संबंध रहा है और चलता रहेगा. आइडिया ये है कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को हम स्कूल में ला के उन्हें अच्छी शिक्षा देके और पूरा प्रोत्साहन करें उनका, और ताकि उनकी आगे लाइफ अच्छी हो और वो तरक्की करें. इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान 12 साल प्लस हो गए हैं. इसमें 17,000+ बच्चों के साथ हमने काम किया है. लिटरेसी इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है. सबसे पहले तो कि हम टीचर्स बराबर ला रहे हैं कि नहीं, अच्छे टीचर्स हों पढ़ाई के लिए, उनकी सैलरी सपोर्ट वो हमारे प्रोग्राम से स्पॉन्सर होता है. फिर न्यूट्रिशन सपोर्ट, तो हमारे मिड डे मील लिटरेसी इंडिया बच्चों को प्रोवाइड करती है. फिर RO वाटर हुआ, तो क्लीन एक्सेस टू वाटर, वो बहुत जरूरी है. उसके बाद स्कूल बस, हमने लिटरेसी इंडिया के साथ काम करी, स्कूल बस प्रोवाइड किए ताकि वो एक 3-5 किलोमीटर रेडियस कवर करके बच्चों को लाए, और ये गर्ल चाइल्ड के लिए तो बहुत ही जरूरी है. और साथ ही साथ सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है. तो भंडारी साहब, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा लिटरेसी इंडिया के साथ? तो पर्सनल एक्सपीरियंस का बताता हूँ आपको. 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ हर महीने, और उनके साथ स्टोरी टेलिंग का होता है. मेरा एक्चुअली जो पर्सनल ग्रोथ जो हुआ है वो काफी हद तक बच्चों की वजह से हुआ है. उनके साथ इंटरेक्ट करके, जो वो कठिनाइयों से लड़के तो भी इतना खुश रहते हैं और इतना एम्बिशन है कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए. तो बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा है. ट्रस्ट मी, इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती. बिल्कुल नहीं हो सकती. और कभी भी अगर आपको भी लग रहा हो ना कि यार बहुत थकान है, बहुत स्ट्रेस है, बच्चों के साथ खेल लीजिए. मतलब मिनटों में, ऐसे मतलब कुछ सेकंड्स में ही आपकी सारी की सारी थकान जो है खत्म हो जाएगी. बाकी लिटरेसी इंडिया को सलाम है, जो इतना बेहतरीन काम इतने बेमिसाल तरीके से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं. इनकी डेडिकेशन साफ साफ झलकती है उन बच्चों की हंसी में, उन बच्चों की खुशी में. बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी अगर आप भी इन साथ जुड़ना चाहते हैं, इनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो यू कैन राइट डाउन literacyindia.org पे जाके. गुड मॉर्निंग आशीष के साथ हैं टू द इश्क बेबी.